18 मैं हूं आपके साथ जो समता कॉलोनी में 2000 के लिए सीए के बेटे की हत्या कर दी गई। राजधानी के समता कॉलोनी में गुरुवार शाम 7:30 बजे 2000 रुपए के लिए 11वीं के छात्र प्रियांशु अग्रवाल की कैंची मारकर हत्या कर दी गई। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विनोद कोडेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बीती रात जो मर्डर हुआ था, मर्डर जिसने किया था उसका नाम है, आरोपी का नाम है रोहित यादव। वो पुरानी हिस्ट्री सीटर है, इसके पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत वो जेल जा चुका है और प्रियांशु से पैसे को लेन देन को लेके कोई विवाद हुआ और पैसा भी मतलब रकम बहुत मामूली था, शायद 2-2.5 हज़ार रुपया था। 2-2.5 हज़ार के लिए उसने अपना आपा खोया और आपा खोने के बाद जो उसने कैंची निकाला और कैंची निकालने के बाद उसने ताबड़तोड़ वार किया। और ये जो मर्डर हुआ है ये कृष्णा एड लैब्स के पास हुआ है। मर्डर हो रहे हैं आजकल, आए दिन छत्तीसगढ़ में घटना हो रहे हैं, उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे भी नाबालिग लोग जो मर्डर कर रहे हैं तो उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी है। और थाना चौक CSP और TI के नेतृत्व में जो टीम बनी थी और रोहित यादव को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके उनको आज जेल दाखिला किया जाएगा। एक्चुअली ये प्रियांशु अग्रवाल है जो मृतक है, वो समता कॉलोनी का है और जिसे उसने मारा है उसका नाम रोहित यादव है, वो मोहदापारा एरिया में रहने वाला है। इनका आपस में कुछ तो शायद बहुत छोटे से अमाउंट के लिए मतलब आपस में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में आवेश में आके इसने कृष्णा एडलब्स के सामने कैचियों से वार करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। उसके बाद में क्योंकि एक्सेस ब्लडिंग हो चुकी थी, जब वो पास में हॉस्पिटल पहुँचा तो एक्सेस ब्लडिंग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सर ये कोई पुराना हिस्ट्री शीटर भी है सर रोहित यादव? हिस्ट्री शीटर एज इन ये कह सकते हैं कि इसके खिलाफ पहले भी 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है, जितना हमें अभी तक पता चला है। अभी हम और डिटेल्स मतलब निकाल रहे हैं, मोहदापारा से भी हमने डिटेल्स मांगी हैं इसकी। सर ये ज़्यादातर अभी रायपुर में जितने भी मतलब मर्डर्स हो रहे हैं ये सिर्फ नाबालिग है सर, मतलब नाबालिग लोग ही है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि इनके कुछ वो न करना चाहिए, काउंसलिंग वगैरह करने कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, एक्चुअली इस केस में जो आरोपी हैं और जो मृतक है वो दोनों ही बालिग थे इस केस में। और बात है काउंसलिंग की, तो आप सही कह रहे हैं कि जो भी नाबालिग लोग हैं उन्हें न्याय के अंदर रहते हुए जो काउंसलिंग कर सकें वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधर सके। थैंक यू सर। ये वही स्पॉट है जहाँ बीती रात प्रियांशु को मारा गया था, ये आप देख सकते हैं पूरा खून से सना हुआ, ये जो एक एक ये वो है जहाँ अभी तक खून के निशान है। आप कहाँ काम करते हो? न्यू चौक में। अपन यहीं के रहने वाले अरे मैं बताऊंगा सबको, पूरे बर्बाद कर दूंगा खड़े में सबको, यहाँ गुस्से में खड़ा नहीं किया, मेरा नाम बता देना, बता दूंगा चलेगा, गुस्से में।